असल दोस्तों टिकटॉक आप लोग सब लोग यूज करते होंगे चाहे आपके मोबाइल में और कुछ हो ना हो टिकटॉक लाजमी होगा तो भाई क्या पूरी जिंदगी लोगों की वीडियोस ही देखनी है उससे पैसा नहीं कमाना तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका एक ऐसा प्रोसेस समझाने के लिए जा रहा हूं कि मेरी जान आप लोग डेली बैठ के पैसा कमाएं डेली बैठ के वहां से पैसा कमा सकते हैं ठीक है तो भाई इसमें दो तरह के आप बंदे आ जाते हैं पहला बंदा वो जो बिल्कुल हर्ड हरामी पर यकीन रखता है और कहता है जी कि बस मुझे कोई ऐप मिल जाए कोई बटन दबाने मिल जाए और पैसे गिरने लग जाएँ ठीक है वो इस वीडियो से दूर रहें दूसरे वो बंदे जो ये बिलीव रखते हैं कि भाई हार्डवर्क हर चीज़ के लिए ज़रूरी है ठीक है मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी तब ही थोड़ी बहुत रिवॉर्ड मिलता है आप लोगों को तब ही मेहनत का सिला मिलता है आप लोगों को क्योंकि बगैर मेहनत के तो कोई आपको चपेट भी नहीं मारता ठीक है जो सीधी सीधी सी बात है और जो ग्राउंड रियलिटी है ठीक है ना तो इन आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट आप लोगों को एंड तक लेके जाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने पहले हफ्ते से ही अर्निंग स्टार्ट कर लेनी है एंड तक लेके जाऊंगा इनशाला ये नहीं कि दस पंद्रह मिनट फ्री लांसिंग पे लेक्चर देकर झाड़ के भाग जाऊंगा कुछ सिखाऊंगा सिखाऊंगा नहीं बस लेक्चर देकर भाग जाऊंगा और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस में आप लोगों को तकरीरें करता हुआ नजर आऊंगा आई डोंट केयर मैं बिलीव भी इसी चीज पे करता हूँ कि भाई टीचर वही होता है जो आप लोगों को सिर्फ कैदा दे के भगा नहीं देता आप लोगों को सिखाता भी है आप लोगों को पढ़ाता भी है हाँ फिर आप लोग खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते फेल हो जाते हैं तो इसमें टीचर का कसूर नहीं होता उसने अपना हंड्रेड परसेंट दिया होता है ठीक है तो इसलिए स्टेप बाई स्टेप एक एक चीज समझ समझनी है फिर एक एक चीज उसी तरीके से इंप्लीमेंट करनी है इन आप लोग भी फ्रॉम द फर्स्ट वीक आप लोग अर्निंग करना स्टार्ट कर लेंगे और डेली बेसिस के ऊपर आप लोग अर्निंग कर सकते हैं तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सारा टिकटॉक का काम आप अपने मोबाइल पे ही करेंगे बल्कि मेरा ख्याल है मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर समझ लेते हैं क्योंकि फिर आप लोग बाद में कहते हैं कि सर हमें कंप्यूटर में ये ऑप्शन था लेकिन मोबाइल पे ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो मोबाइल के ऊपर ही समझते हैं ठीक है तो सिंपली आप लोगों ने अपने मोबाइल पे आने और अपने टिकटॉक को ओपन करना है लाइक ये मेरे सामने मेरा टिकटॉक ओपन हो चुका है ठीक है अब यहाँ पे आप लोगों ने कोई भी कॉन्टेंट जो है लेकिन ज्यादातर कोशिश करना है कि जो वायरल कॉन्टेंट है ना उसको आप लोगों ने उठाना है कैसे है मैं आप लोगों को समझाता हूं मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि इसके अंदर काफी ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे आप लोगों ने एक-एक स्टेप देखना है ये नहीं कहना कि जी के ए सानु आंदा है तो ए सानु आंदा है ठीक है जो आता है स्टेप वो बेशक आप लोग स्किप कर सकते हैं लेकिन फाइनल लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों को कंप्लीट ट्रिक समझ आ जाएगी कि मैं असल में कहना क्या चाह रहाँ करना क्या चाह रहे हैं और हमें पैसा आएगा कैसे ठीक है तो ये सारी चीज़ें ज़रा ध्यान से लेके चलनी है आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है कोई भी टॉपिक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाइनीज़ फूड वाली जो वीडियोज़ हैं ना वो सर्च करता हूँ लाइक ये देखें कि इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो मैं ज़रा सर्च करता हूँ ठीक है और यहाँ पर आते हैं नीचे जो मतलब के बड़े बड़े चैनल हैं या बड़ी बड़ी आईडीज़ हैं वो नहीं उठाते हम कोई छोटी सी आईडी उठाते हैं ठीक है लाइक एक ये आईडी है फॉर एग्जांपल ठीक है तो इसकी हम वीडियोस को पकड़ लेते हैं यहाँ पे हम आते हैं फॉर एग्जांपल इसकी कोई भी वीडियो उठाते हैं यहाँ पे नीचे आ जाते हैं ये इस जगह पे आ जाते हैं ये स्ट्रॉबेरी वाली फॉर एग्जाम्पल उठा लेते हैं ठीक है इसका लिंक करना है आप लोगों ने यहाँ से कॉपी सेव वीडियो नहीं करनी डायरेक्टली लिंक कॉपी करना है उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे गूगल पे आने के बाद आप लोगों ने जस्ट यहाँ पे लिखना है कि डाउनलोड टिकटॉक वीडियो विदाउट वाटर मार्क तो ये वीडियो हमारे पास विदाउट वाटर मार्क सेव हो गई है ठीक है हमारी गैलरी में आ गई उसके बाद आप लोगों ने आ जाना है यूट्यूब पे यूट्यूब पे आके आप लोगों ने सर्च करना है कोई भी म्यूजिक सर्च करना है आप लोगों ने और उसके साथ आगे ये लाजमी से लिख देना है नो no कॉपी तो कोई भी आप लोगों ने जो कॉपी फ्री म्यूजिक होगा ना कॉपी फ्री म्यूजिक लाइक ये है ठीक है इस तरह का कोई भी म्यूज़िक आप लोगों ने यहाँ से उठा लेना है कीप इन माइंड कि वो कॉपीराइट फ्री ही होना चाहिए ठीक है उसके डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें कि उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उन्होंने कुछ कहा हुआ तो नहीं है कि भाई आपको क्रेडिट्स देने पड़ेंगे फ्लां फ्लां या कुछ नहीं देना पड़ेगा ठीक है तो चलें इसको इसको भी आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है अब नेक्स्ट आप लोगों ने आना है अपने किसी भी एडिटर के अंदर ठीक है लाइक like आप वी यूज़ करते हैं काइन मास्टर यूज़ करते हैं कैप कट यूज़ करते हैं जो मर्जी यूज़ करते हैं उसके अंदर आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पे आके न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है और यहाँ पे यही वाली वीडियो उठा के नेक्स्ट कर देनी है आप लोगों ने ठीक है तो ये यह देखें यही वीडियो आप लोगों के सामने आ गई विदाउट वाटर मार्क आ गई अब ये आप लोगों के बिल्कुल सामने यहाँ पर आप लोगों ने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है इसके वॉल्यूम पर क्लिक करना है और इसका वॉलीम जीरो कर देना है ओके अब दोबारा से यहाँ पर आप लोगों ने आना है और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर म्यूज़िक पे क्लिक करना है यहाँ पे सॉरी बैक आना है आप लोगों ने यहाँ पे ये जो दूसरा ऑप्शन है ना ये प्लस वाला मीडिया का इस पर क्लिक करना है ये वाली वीडियो उठानी है आप लोगों ने वही म्यूज़िक वाली ठीक है एंड पे आना है इसका एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है और इसकी जो वीडियो है उसको रिमूव कर देना है अब इसके बैकग्राउंड पे ये नया वाला म्यूज़िक ला गया ठीक है जहाँ तक आप लोग देख लें जहाँ से ये ज़्यादा अच्छा चल रहा हो वहीं से म्यूज़िक लगाना बेशक स्टार्ट कर दें ठीक है चलें ये हो गया अब तीसरी इसके अंदर एक और चेंजिंग करनी है वो जो, ज़रा गौर से सुननी है आप लोगों ने आप लोगों ने कैमरे के सामने बैठ के दो तीन बार रिएक्शन की शक्लें बना लेनी है आप लोगों ने जिस तरह बंदा रिएक्ट कर रहा था ओ वाई कैसे हाउ ये वो ठीक है तो इस तरह की ना आपने थोड़ी सी ना शक्लें बनाने हैं मैंने आ, कुछ सैंपल बनाए हैं मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे डाल के अगेन आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक किया हमने अपना क्लिप उठाना है ये देखें ये क्लिप मेरे पास पड़ा हुआ है मैंने सेम वही काम किया जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ यहाँ पर आएँगे इसको मैं खींच के थोड़ा सा ये इतना बड़ा कर दूँगा ठीक है और यहाँ पर इसको बेशक आप लोग ये ये वाला जो है क्लिप इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर कर दें ठीक है और यहाँ पे आप इसकी लेंथ देख लेते हैं कि लेंथ कितनी है तो यहाँ पे इसको बेशक ट्रिम कर दें या अपनी वीडियो ही उतनी लेंथ की बनाएं जितने लेंथ की आप लोगों ने आ, मतलब कि टिक से वीडियो उठाई होगी ठीक है मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए हाफ ऊपर उसकी वीडियो हाफ नीचे आप लोगों की वीडियो ठीक है इसका क्या फ़ायदा होगा इसका ये फ़ायदा होगा कि पहले मैंने आप लोगों का म्यूज़िक उड़ा के यहाँ पर नया म्यूज़िक डलवाया है तो इससे क्या हो गया कि आप लोगों का म्यूज़िक का राइट क्लेम ख़त्म उसके बाद नीचे मैंने अपनी वीडियो डाली है तो इसका मतलब है कि हमारी जो वीडियो है ये एज अ रिएक्शन वीडियो कॉन्सिडर हो रही है ठीक है तो बिल्कुल आप लोग बेशक अपने मुंह की थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए बीस 25 वीडियोस एक ही बार बना के रख लें और बाकी सारी वीडियोस में वो यूज़ करते रहें तो यहाँ पे आप लोग देखें तो बाई जान्स सिंपल सिंपल आप लोगों की पूरी रिएक्शन वीडियो कंसीडर हो गई और उसके बाद हुआ क्या हुआ ये कि आप लोगों का को कोई भी कॉपी राइट यहाँ नहीं आएगा ठीक है इसको आप लोगों ने सिंपली कर लेना है सेव सेव करने के बाद अगला जो जुगाड़ है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ उसके बाद ज़रा मैं आप लोगों को बड़ी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ समझा देता हूँ ठीक है आप लोगों ने आना है गूगल पे गूगल पे आके आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है कि फूड सॉरी दूध लिख दिया <laughs> फूड फूड आइटम्स एफिलिएट प्रोग्राम ठीक है यहाँ पे यह आप लोगों को एक वेबसाइट मिलेगी अथॉरिटी हैकर डॉट कॉम इसके ऊपर आप लोगों ने जाना है यहाँ पे जाके आप लोगों को ये तकरीबन चौदह ऐसे फूड के मतलब के वेबसाइट्स बता रहे हैं कि जो एफिलिएट के साथ काम करती हैं मतलब कि जो भी बंदा इस फूड के ऊपर जाहिर सी बात है आप लोग भी जाके ऑर्डर करते हैं हम भी ऑर्डर करते हैं पूरी दुनिया से लोग ऑर्डर करते हैं तो जो बंदा यहाँ से जाके आप लोगों के लिंक से जाके एफिलिएट प्रोग्राम के ऊपर ऑर्डर करेगा तो आप लोगों का कमीशन आप लोगों को मिलेगा ठीक है लेकिन हमने इसके ऊपर अभी काम नहीं करना ठीक है हमने काम करना क्या हमने ये काम करना है हमने इन सारे चौदह के चौदह टॉपिक्स के ऊपर और इससे मिलते जुलते और भी आप लोगों को बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी यहाँ पर ये नीचे आए ये सिक्सटीन बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम ठीक है फूड के ये 67 हैं सारे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि फूड से रिलेटेड आप लोगों को ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप लोग एफिलिएट का, का काम कर सकते हैं ठीक है अच्छा अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने एक टॉपिक को पकड़ना है ये देखें फॉर एग्जांपल होम शेफ़ इसको आप लोग बेशक न्यू टैब के अंदर ओपन करके ना एक बार जरा इसकी थोड़ा सा ओवरव्यू भी देख लें कि यार ये है क्या होम शेफ़ के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है फिलहाल हम इसके एफिलिएट को ज्वाइन नहीं कर रहे पहले हम सिर्फ इसकी वेबसाइट को देखने के यार ये वेबसाइट है कैसी यहाँ पे है क्या ठीक है होम शेफ़ ठीक है यहाँ पे आके आप लोगों ने ठीक है जी जबरदस्त है ए वन ए जी फिट हो गया अब आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है मैं फिर बता रहा हूँ कि थोड़ी सी मेहनत बहुत जरूरी है और करनी पड़ेगी आप लोगों को आप लोगों ने सिंपली आके इन चौदह टॉपिक्स हैं ना इस चौदह से मतलब कि ये चौदह वेबसाइट्स दिए ना चौदह नहीं बल्कि आप चौदह सौ पर बेशक काम करें चौदह सौ आर्टिकल uh, लिखें आप लोग बेशक ठीक है लेकिन एक तरीके से एक तरतीब से मैं एज अ डेमो एक आप लोगों को समझाता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या आप लोगों ने सिंपली आना है चैट जी के ऊपर अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि, कि यार इसमें डेली अर्निंग कैसे इन्वॉल्व है वो भी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि जो इसके अंदर नेक्स्ट मैथड में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ इसी के साथ मिलता जुलता है तीन चार तरीकों से क्योंकि हमने यहाँ से पैसा निकालना है तो मैंने इसको क्यूरी दी कि राइट इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्टोरेंट नेम एज़ होम शेफ़ ठीक है इसका मैं लिख देता हूँ ठीक है अब आप लोग इसका मतलब कि इस सारा सा इसको हम कॉपी करेंगे इसका सिटी एरिया जो है वो भी कॉपी कर लेंगे यहाँ से यहाँ पे ये यह नीचे आएँ तो सबसे नीचे इस जगह पे यहाँ पे इसका अबाउट अस और इसका मतलब कि कंपनी के बारे में ये इसका आप लोगों को यहाँ से एड्रेस वगैरह भी मिल जाएगा ठीक है तो वो हम एड्रेस साहिर सी बातें कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पर आने के बाद ये इसको हमने किया कॉपी कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे अपने वर्ल्ड प्रेस के अंदर अब ये वर्ड प्रेस क्या चीज़ है ये आप लोगों को बता देता हूँ टेंशन नहीं लेनी पोस्ट के अंदर आना है ऑल पोस्ट के अंदर आना है यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट के अंदर आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि जितना वहाँ से कॉपी किया हुआ था उसका सिर्फ एड्रेस चेंज करना है और एड्रेस चेंज करने के बाद वही सारा डाटा यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट कर देना है ठीक है ऊपर से जो इसका टाइटल था वो टाइटल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ से कॉपी करना है ये देखें ये सारा यहाँ पर पेस्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे आते हैं और होम शेफ़ डॉट कॉम ठीक है ये आप लोगों ने कॉपी करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आना है और यहाँ पे आके आप लोगों ने सॉरी यहाँ पे आके आप लोगों ने टाइप कर देना है बेशक ठीक है होम शेफ़ ओके अब यहाँ पे आप लोग एक बटन बना सकते हैं लाइक ये देखें कि हमने यहाँ पे एक बटन बना दिया ठीक है क्लिक हेयर टू ऑर्डर अब जो भी यहाँ पे आप लोग वेबसाइट का जो एफिलिएट लिंक होगा ना उस एफिलिएट लिंक को आप लोगों ने फॉर एग्जांपल यही लिंक है एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको एफिलिएट लिंक कॉन्सिडर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ज़ाहिर सी बात है सब पे अकाउंट तो बनाने होंगे मैं अब आप लोगों को सब पे अकाउंट बनाना तो एक वीडियो में नहीं समझा सकता जहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है ये देखें पीछे लिंक नजर आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है यहाँ पे ये यह लिंक पेस्ट करना है एंटर का बटन दबाना है और भाईजन ओपन इन न्यू टैब इसको भी टिक कर दें ठीक है तो भाई जो बंदा भी इस पर क्लिक करेगा तो वो आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू इनकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर करेगा सिंपल इज़ दैट अब नेक्स्ट आप लोगों ने करना क्या है अब ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है कि आप लोगों ने ये करना है कि आपकी जितनी भी ये वीडियोज़ जो आप लोगों को मैंने फूड से रिलेटेड बताई हैं इन सब के नीचे एक छोटा सा बेशक लिख दिया करें कि चेक बायो या चेक डिस्क्रिप्शन ठीक है ये आप लोगों ने यूट्यूब पर डालनी है और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों ने अपने ब्लॉग का लिंक नहीं देना ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये पोस्ट है इस पोस्ट का लिंक नहीं देना आप लोगों ने क्या देना आप लोगों ने आए एक और तरीका उसके अंदर अर्निंग का ऐड करके फिर नेक्स्ट आप लोगों को प्रोसेस बताता हूं बाकी ये ब्लॉग कैसे बनाना है आप लोगों ने डोमेन होस्टिंग का जितना भी प्रोसेस है वो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेने का सिंपली आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर आ जाना है मेरे चैनल पे आके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे ये देखे मैंने बताया हुआ आप लोगों को कि हाउ टू मेक अ वेबसाइट इन जस्ट थर्टी मिनट्स ठीक है तो आप लोगों ने ये अपनी वेबसाइट अपना ब्लॉग जो है वो क्रिएट कर लेना है ठीक है चलें ये ओके हो गया अब आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने बाई जान जितने भी आप लोगों के पास रेस्टोरेंट्स के मतलब के आइडियाज़ थे आप लोगों ने उन सारे रेस्टोरेंट्स के ऊपर एफिलेट लिंक बना के उनके ऊपर एक एक ब्लॉग आप लोगों ने डाल दिया है लाइक अभी आप लोगों को मैं ना ये व्यू भी करवा देता हूँ ये ज़रा इसको देख लें कि ये कैसा बन गया ठीक है ये देखें तो भाई इसके अंदर इमेजेस लगाना चाहें वो सारा कुछ वो मैंने वेबसाइट बनाने वाली जो वीडियो है उसमें सारा बताया हुआ है ठीक है तो ये देखें हमारा ब्लॉग बन गया है इसका कोई लिंक भी तो है ना तो हम जाते हैं ज़रा वो लिंक करते हैं कॉपी ये देखें ये हमारे पास इसका यू दे रहा है तो ये यू हमने कर लिया फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपी कॉपी करने के बाद अब आप लोगों ने आना है एक और जगह पर उस जगह का नाम है हे लिंक ठीक है इसका बिल्कुल सिंपल सा अकाउंट बनता है बिल्कुल आराम से आप लोग बना सकते हैं लाइक गूगल से साइन अप कर सकते हैं ठीक है तो हे लिंक डॉट मी ये मेरा अकाउंट है यहाँ पे मैं इसको रिमूव करता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ कि आप लोगों ने कैसे बनाना है सिंपली स्टार्ट फॉर फ्री के ऊपर क्लिक करना है जी से साइन इन करना है और हो जाएगा ठीक है चले अब हम जरा मैं अपने वाला खोल लेता हूँ तो अब ये मेरा लिंक है ये देखें हे लिंक डॉट डॉट मी स्लैश शफीक जाफरी इसके ऊपर जो भी बंदा क्लिक करेगा उसको ये वाले मेरे सारे लिंक शो होना शुरू हो जाएंगे वो जिसके ऊपर क्लिक करेगा यूट्यूब पे क्लिक करेगा वो यूट्यूब पे चला जाएगा फेसबुक पे करेगा फेसबुक पे इंस्टा पे करेगा इंस्टा पे ठीक है आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने ये इस ये जो आर्टिकल आप लोगों ने लिखा है इसका लिंक आप लोगों ने कॉपी करना है कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे ये यह देखें ये लिंक्स है यहाँ पे लिंक्स के अंदर आके आप लोगों ने लिंक को करना है पेस्ट जैसे पेस्ट करेंगे ऐड न्यू लिंक की ऑप्शन आ जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का लिंक ठीक है ये देखें होम शेफ़ वाले का यहाँ पे इस तरह से ठीक है अब आप लोग चाहें तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं लाइक यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मूव लिंक कर सकते हैं इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ पे ये देखें ये एडिट की ऑप्शन है ऊपर तो यहाँ पे आके आप लोग इसका नाम रखते हैं बेशक होम शेफ़ ठीक है याद है आप लोगों को क्या हमने उसका नाम रखा था होम शेफ ठीक है टाइटल दिया था होम शेफ ठीक है जैसे ही आप लोग यहाँ पे चेंज करेंगे ये देखें इधर भी चेंज हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ऑडियंस को हमने सारा यहाँ पे लेके आना है ठीक है यहाँ पे इसकी इमेज भी लगा सकते हैं वगैरह वगैरह दूसरा आप लोग लिंक देंगे यहाँ पर दूसरे आर्टिकल का वो भी आप लोगों ने यहाँ पे ये लिस्ट कर देना है अब एंड पे आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों का जो ये लिंक होगा आप लोगों ने अपनी यूट्यूब के ऊपर जो ये वीडियो डालेंगे ये जो मैंने आप लोगों को एडिट करके बताई है उसके नीचे आप लोगों ने कॉपी करके ये वाला लिंक देना है जो सबसे ऊपर आप लोगों का बनेगा जब आप लोगों के इसके ऊपर हजार विजिट कंप्लीट हो जाते हैं तो आप लोगों का हे लिंक का अकाउंट भी मोनेटाइज हो जाता है यहां पे ये देखें अर्न सेक्शन के अंदर आप लोग आए तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो ये देखें ये मेरा सारा कुछ आ, मतलब कि कंप्लीट हुआ पड़ा है तो मैंने सेंड रिक्वेस्ट इसकी की हुई है टर्न ऑन एडवर्टाइजिंग ठीक है तो मैंने इसकी सेंड रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की हुई है तो ये कुछ दिनों तक एक दो दिन में ये भी मेरा मोनिटाइज़ हो जाएगा ठीक है तो जब ये आप लोगों का मोनिटाइज़ हो जाएगा और इसके साथ साथ जो भी बंदा यहाँ पर क्लिक करेगा वो डायरेक्टली आप लोगों के ब्लॉग के ऊपर चला जाएगा ये देखें ये मैंने तस्वीर लगाई है और यहाँ से जाके जो ऑर्डर करेगा तो भाई यहाँ से भी आप लोगों को एफिलिएट अर्निंग होगी यहाँ से भी आप लोगों को जो इसके ऊपर ऐड चलेंगे इसके दरम्यान में आप लोगों को अर्निंग होगी और यूट्यूब के ऊपर तो वो नो कॉपी राइट है आप लोगों का चैनल मोनोटाइज भी हो सकता है लेकिन लेकिन अभी आप लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि भाई हमें इतनी लॉन्ग टर्म अर्निंग नहीं चाहिए हमें इंस्टेंट अर्निंग चाहिए नो प्रॉब्लम सिंपली आप लोगों ने आना है गूगल के ऊपर गूगल पे आएंगे आप लोग यहाँ पे मैंने क्यूरी की बाय एंड सेल यूट्यूब चैनल बहुत सारे लोग यहाँ पे आ जाएंगे किसी पे आप लोगों ने एतबार नहीं करना जस्ट आप लोगों ने फ्लिपर डॉट कॉम के ऊपर जाना है जहाँ पे दुनिया के सबसे बड़ी ये वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट्स और चैनल्स की सेल परचेज का काम होता है ठीक है और यहाँ पे ज़रा चेक करते हैं कि हाउ टू सेल योर यूट्यूब चैनल यहाँ पे आप लोग आएँ तो यहाँ पे ये देखें ये अपना यूट्यूब चैनल बेच रहा है और यहाँ पे देखें कि निन्यानवे हज़ार डॉलर का यहाँ पे नीचे आते जाएं ये देखें ये कुछ और चीज़ बेच रहा है यहाँ पे नीचे आते जाएं ये देखें ये पोलैंड का है ये पैंतीस डॉलर का बेच रहा है दो लाख सतारह हज़ार टोटल इसके सब्सक्राइबर हैं और यहाँ पर इसकी जो मोनोटाइजेशन है वो एफिलियट सेल से है और ये साथ में अपनी एक वेबसाइट भी दे रहा है ठीक है तो यहाँ पर जिसके साथ वेबसाइट होती है ना उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ये देखें एक लाख पंद्रह हजार डॉलर में ये अपना चैनल बेच रहा है साथ एड्स भी दे रहा है और इसके साथ शायद इसने अपना ब्लॉग भी दिया हुआ हो ठीक है तो यहां पर नीचे आए तो ये कोई पाकिस्तानी है ये देखें इसने पाकिस्तानी ने लगाया हुआ आठ हजार डॉलर की आई थिंक सिर्फ वेबसाइट है जहां पर नीचे आ जाए तो यूट्यूब के इतने फॉलोअर हैं टिकटॉक के इतने फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम के ट्विटर के सात हजार डॉलर में दे रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप लोगों के यूट्यूब के ऊपर भी बन जाएंगे आप लोगों के हेलिंग के ऊपर भी बन जाएंगे और आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट अर्निंग तो आएगी आएगी ठीक है तो ये सारी चीजें आप यहां पर कंसिडर करा के ये देखें पाकिस्तान कोई टेक यूट्यूबर है ग्यारह हजार सात सौ का अपना चैनल बेच रहा है ठीक है तो यहां पर आके सबसे आसान काम है कि यहां पर आके आप लोग अपना कंप्लीट चैनल जो है वो बेच सकते हैं ये देखिए एक लाख दो हजार सब्सक्राइबर हैं टोटल इसके सॉरी एक हजार एक हजार सब्सक्राइबर हैं नौ सौ चालीस डॉलर का यहां पर बेच रहा है ठीक है तो भाई यूट्यूब चैनल भी बेचें यहाँ पे आके अपना वो ब्लॉग भी बेच दें यहाँ पे और अपना हे लिंक का अकाउंट भी यहाँ पे बेच दें तो आप लोग प्राइस कितनी मिल रही है आप लोगों को वो आप लोगों के सामने है बाकी फ़्लिपा पे काम कैसे किया जाता है ये भी एक लंबा प्रोसेस है लंबा नहीं मतलब कि समझाने बैठ जाऊँ तो लंबा है तो आप लोग यूट्यूब कर लीजिएगा उस पर आप लोगों को बता देगा कि फ्लिपा के ऊपर आप लोग अपना कोई भी अकाउंट कैसे सेल आउट करते हैं कोई भी अपनी वेबसाइट कोई भी अपना चैनल किस तरीके से सेल आउट करते हैं ठीक है तो वो यहाँ पर आप लोग लगा के इसको सेल कर दें आपकी मर्जी मौज करें तो भाई एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार तरीके मैंने आप लोगों को बता दिया सिर्फ टिकटॉक को यूज करते हुए आप लोग कैसे अर्न कर सकते हैं तो सो आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी और आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अलाफ इज पाकिस्तान बाइंदाबाद